खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट्स में एबी मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ग्रैंड लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे एबी मोटर्स के चेयरमैन डॉक्टर अभय बंसल ने आयोजित किया था। इस दौरान लॉन्चिंग के अवसर पर एबी मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर सार्थक बंसल, लीगल एडवाइजर ऋषभ जैन सहित पूरी टीम मौजूद थी और उन सभी ने अपना योगदान दिया। इस लॉन्च कार्यक्रम में संत महात्मा महामंडलेश्वर स्वामी श्री ईश्वर दास महाराज, महंत श्री गौरी शंकर दास महाराज सहित कई संत महात्माओं ने शिरकत की। साथ ही बॉलीवुड जगत से त्रिशा खान, सत्येंद्र चौधरी, खुशी ठाकुर, टीना घई, शियाना राहिल संसरा, महेश ठाकुर, काजल वशिष्ठ और अलाक्षी गुप्ता सहित देश की टॉप मॉडल्स भी मौजूद रहे। आयोजन में राजनीति जगत से कुमार अशोक पांडे, हर्षित पांडे और एस्ट्रोलॉजर दिनेश मकवाना भी मौजूद थे। सभी गणमान्य अतिथियों ने एबी मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को भरपूर सहयोग दिया और उनकी सराहना की। हम शाना शुनसारा, मिस यूनाइटेड नेशन, मिस इंडिया अर्थ, एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल वर्कर। आई एम एंजॉइंग अलॉट, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जो एबी मोटर्स है, अभय बंसल जी जो है वो इसके चेयरमैन एंड फाउंडर हैं, और ये जो बाइक है वो इको फ्रेंडली बाइक है। बिकॉज हम एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट के काम करते हैं, तो मुझे पता है कि कितनी वैल्यू और कितना जो वैल्यू एडेड है। जो ये बाइक जो लॉन्च कर रहे हैं अभय सर, वो एक तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की उनकी जो है मुहिम है, कोशिश है, और वो चाहते हैं कि मैं लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दूँ और जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग सोचते हैं, बट वो इतना प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक NRI है। उन्होंने बोला है कि जब मैं इंडिया आऊँगा तो मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ। तो वो बहुत ऑसम चीज़ है, बहुत हैट्स ऑफ है। इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, हमारी शुभकामनाएँ तो हैं ही इनके साथ, और आज के समय में, आधुनिक ज़माने में, जहाँ पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है और सब लोग इससे परेशान हैं, अब इसी का समय आ गया है, और इसी का जो है, मैं समझता हूँ, उपयोग जो है सभी के लिए बेहतर होगा, और मेरी शुभकामनाएँ हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। एबी मोटर्स ने हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें हम उनके लिए उनके सभी प्रोडक्ट्स जो आज हैं और आने वाले सभी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के लिए बैटरीज डिज़ाइन करते हैं, स्पेशल बैटरीज डिज़ाइन करते हैं, और उनको हम उनकी गाड़ियों के लिए डिलीवर करते हैं। आने वाले टाइम में कार्स की बैटरीज भी, जैसे एबी मोटर्स का अगला प्लान है कारें लाने का, तो उसके अंदर भी हम उनके लिए डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत जल्द हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ सामने आएंगे। मेरा नाम अमित है, मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हूँ, डायरेक्टर हूँ। हम लोगों ने आगे फ्यूचर प्लान सोचा है इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का, और इसमें सबसे मेन है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, और जो दिल्ली सरकार, भारत सरकार का जो सोच है वो है पॉल्यूशन फ्री दिल्ली रहे, तो उसी के लिए हम लोगों ने फोकस करते हुए आगे चल रहे हैं। एक्चुअली ये आइडिया मुझे पहली बार जब मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत ही ज़रूरी कंसर्न हो गया आज की डेट में हमारे लिए, और इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा है, जो हमारे लिए ही सबके लिए अच्छा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, अभय जी ने, एंड आज इन्होंने, जो मैं पहली बार इनके साथ शूट किया था उस दिन से लेकर आज तक, काफ़ी इन्होंने ऊपर आए, और मैं प्रे करूँगी कि और आगे बढ़े और हम सब इस चीज़ का यूज़ करें। Hi, this is Adifra Khan, and I would like to say that Ebi Motors, like, they are doing very well, and I appreciate their work, and I hope they will be bright in future, and my all good wishes are them. बहुत ही अच्छा लग रहा है, और second thing, ये eco friendly है एकदम, जैसे हमारी earth को इस time, मतलब earth is like crying, is dying, so we need to protect it. So AB Motors is doing a incredible job in order to protect our earth. So we should all join it. My name is Sonia Sarkar and I'm a fashion model. And about AB Motors, it's very eco-friendly and reasonable, and it's very good. Like
आप अगर उसको यूज़ करके देखोगे इट्स वेरी गुड, मतलब स्मूथ एंड यू कैन यूज़, मतलब कभी भी बाहर जाओगे तो आप इजीली, हाँ इजीली लेके जा सकते हो, तो इट्स गुड. थैंक यू. एक स्पेशलाइज कस्टमाइज्ड, आपको कस्टमाइज व्हीकल चाहिए कस्टमाइज मिलेगा, जैसी गाड़ी चाहेंगे लिथियम में ले में हर मतलब एडवांस फीचर्स के साथ आपको हर गाड़ी मिलेगी और फुल रेंज है. हमारे पास एक मॉडल की एक रेंज है जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी. जी क्या कहना चाहेंगे जो अभी बंसल जी प्रयास करें कि भारत को प्रदूषण, ये सब इन्हीं का प्रयास है जो इतना बड़ा फंक्शन है सबको अरेंज हो, इतने मॉडल सारे अभय जी का ही सारा प्रयास है, सारा इन्हीं का, इन्हीं की सबसे मेहनत, अभय जी की मेहनत है इसमें सारी बस. मैं बहुत ही खुश हूँ. सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप सब आए हमारे पास और हमारी कंपनी को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारा मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च करवाने में और इसको सब सहयोग दे रहे हैं. मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि और ही सब आगे बढ़ें और इलेक्ट्रिक मोटर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करें और आगे बढ़ें, देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं. हाँ जी, काफ़ी नए मॉडल्स हमने नए लॉन्च किए हैं, स्कूटीज़ में भी काफ़ी नए मॉडल्स आए हैं, इनफैक्ट बाइक में भी हमने नया बाइक का लॉन्च किया है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग है और आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. बहुत ही आनंद का पल है. आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की तपोस्थली चित्रकूट में थे एक किसी कार्यक्रम में, और एकमात्र सिर्फ इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए जो आज मोटरसाइकिलें लॉन्च हो रही है उसके उद्घाटन के लिए आज हम लोगों ने देखा और इन मोटरसाइकिल के मॉडल और इसके बारे में जाना समझा और जान समझ करके मन ही भी बहुत प्रफुल्लित हुआ, बहुत आह्लादित हुआ. हमारी शुभकामना है कि आप लोग इस व्यवसाय में एक देश को नई दिशा दें और आने वाले दिन में एक मधुर आयाम तक पहुंचे. आज एबी मोटर के द्वारा यह केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह एक राष्ट्र का कार्य है. जिस तरह से पेट्रोल के लिए हमारी पूरी देश की जनता त्राह त्राह करती है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और हमारा भारत देश दूसरे के ऊपर आश्रित है और उसका कितना बड़ा दबाव भारतवर्ष को सहन करना पड़ता है यह पूरे जनमानस को पता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और यह एक भारतवर्ष के लिए क्या राष्ट्र के लिए और जन जन के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा. हमारे पूज्य अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बता रहे थे कि पर्यावरण, इससे हमारी पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा होगी. जो पर्यावरण से पूरा देश, पूरे बड़े बड़े शहर दूषित हैं, दिल्ली जैसे शहर में अभी पर्यावरण की वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति करनी पड़ी कि ये गाड़ियां नहीं चलेगी, पेट्रोल की गाड़ियां बंद करो, डीजल की गाड़ियां बंद करो और हफ्ते में 2 दिन गाड़ियां चलाओ, तो इसमें एक बहुत बड़ा पर्यावरण की दृष्टि से और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति है. हम लोग की बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं कि इसको अधिक से अधिक लोग अपनाएं और देश की एक समस्या से निजात पाएं. दोनों कार्य पर्यावरण के सुख के लिए है, तो जो ए बी मोटर है वह पर्यावरण बचाने का कार्य कर रहा है. मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ. लोग प्रदूषण से बच जाएंगे इस कंपनी से अगर जुड़ेंगे तो, उसी से बचने की ज़रूरत है. देखिए सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सत्येंद्र सिंह का नमस्कार है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि एक एबी मोटर्स के बुलाने पे हम लोग उपस्थित हुए और आप सबका प्यार दुलार मिला और ये बहुत सराहनीय अच्छा कार्य है जो पूरा इन्होंने हिंदुस्तान में जो ये लेके आके बीड़ा उठाया है. ये प्रदूषण मुक्त बाइक पे हम लोग आज बैठे हैं, बैठ के सफर भी कर रहे हैं. बहुत अच्छी, तो चलाने में इजी है, तो कोई भी चला सकता है, एक बच्चा भी चला सकता है. एक्चुअली मैं बाइकों का जो साउंड होता है ना, उस साउंड से, मैं मुंबई रहती हूँ तो मैं साउंड से बहुत इरिटेट होती हूँ. इसमें बैठ के इतना कंफर्टेबल हो रहा है, देखिए इसका पीछे का सीट कितना अप है, मतलब अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तो भी अच्छा लगेगा, बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो भी अच्छा लगेगा, किसी के साथ भी जा रहे हैं फ्रेंड के साथ भी तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक ग्रिप है जो बैठने में बहुत कंफर्टेबल हो रहा है एंड साउंड भी बिल्कुल नहीं है. मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा एबी मोटर्स को, मिस्टर बंसल को शुभकामनाएं दूंगा. ये आज की आवश्यकता है और जिस तरीके से हमने प्रदूषण को झेला है और झेल रहे हैं उसमें यदि कोई ऐसी तकनीक आए, ऐसे वाहन बने जो हमारे प्रदूषण पर रोक लगा सकेंगे और हम लोग प्रदूषण मुक्त वातावरण में
शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सकेंगे। तो मुझे लगता है एबी मोटर्स का ये प्रयास जो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लखनऊ में ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, लखनऊ से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारा लखनऊ आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। इसके लिए तो हम लोगों का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का भी एक सपना रहा है कि हम लोग प्रदूषण मुक्त भारत, और आप अभय भाई ने एक पहल की, इसके लिए हम इनको बधाई देंगे, इनकी पूरी टीम को, इनकी कंपनी को, और लोगों से भी ये हम लोग गुजारिश करेंगे कि प्रदूषण मुक्त लखनऊ बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। ऐसे बाइक्स जो बिना किसी खर्चे के हम अपने घर में बैटरी चार्ज कर लें, उसका लेके जाएं, एक रुपये नहीं खर्चा है, एक बार हमने लिया दोबारा कोई नहीं, और कई सारी सुविधाएं भी इसमें मिल रही हैं। इसमें भी जैसे हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, इसके तहत भी हम इनको जितनी बधाई दें उतनी कम है हर तरह से, कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सपना रहा है उसको, कि हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने का, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये लखनऊ में एक छोटी सी पहल है जिसकी शुरुआत अभय जी ने की, हम इनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर नीरज बोरा जी और आदरणीय शैलू जी, माननीय विधायक जी, हमारे साथी, मेरे छोटे भाई और हमारे बड़े भाई, दोनों लोगों का आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इस आविष्कार को आज करने का, ये प्रयोग करने का काम अभय बंसल जी ने एबी मोटर्स के जरिए यहाँ किया है, और जो एक निर्णायक भूमिका ये मोटर्स निभाएगा, मेरा पूरी तरह से पूरा विश्वास है कि जो अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक ये लाभ पहुँचे, उसके लिए इन्होंने आत्मनिर्भर भारत को और दृढ़ करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दृढ़ करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत, और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान पे जो ये कार्य कर रहे हैं, मेरी पूरी शुभकामना है कि यह कार्य इनका दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, और जन जन तक ये वाहन पहुँचाएँ, जो डीजल वाहन हैं और जो ऑयल से चलने वाहन हैं जो प्रदूषण बढ़ाते हैं उनको हटा करके उनके बदले में रिप्लेस करके इन वाहनों का प्रयोग हो, मेरी पूरी जो है शुभकामनाएं हैं कि ये खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है पोल्यूशन कम करने के लिए, एंड जितने ज़्यादा लोग इसे अपनाएंगे उतना हम एनवायरमेंट को बचा पाएंगे। सो इट्स ए ब्यूटिफुल एफर्ट बाय द कंपनीज कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने डिसेंट प्राइस में लॉन्च किया है। सो ऑल माई बेस्ट विशेज टू एबी मोटर्स एंड द कंपनी एंड एवरीवन। ये एक हमारा पहला स्टेप है इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के एक कंसेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर हमारी पहली पहल रहेगी कि पोल्यूशन को कम करना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। तो अब हम होपफुल हैं कि हम एक सोसाइटी को एक अच्छा एक कंसेप्ट देके जाएंगे जिसके अंदर हम लोगों की मदद कर पाएंगे, जिससे जो है पोल्यूशन भी कम होगा और एक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी। आज जो लखनऊ में इतनी अच्छी ग्रैंड लॉन्चिंग हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई एम हैप्पी, यहाँ पे बहुत MLA और MPs आए हैं, इवन तो यहाँ पे महंत और महाशीष भी आए हैं जो यहाँ पे रिकग्नाइज हैं एक सोसाइटी द्वारा, उनका आशीर्वाद भी हमें मिला, और मैं बड़ा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि आगे हमारे भविष्य के लिए कैसे सोसाइटी में हमारा हेल्प रहेगा और कैसे ये सोसाइटी के लोग हमारे को मदद करेंगे आगे के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट कैसा रहेगा। Hi, I am Zara Sheikh. I'm a fashion model. I based out of Delhi, Lucknow. I'm here for an event, this AB Motors event. It's such an amazing event. I'm delighted to be here. It's going to be a very good change for females who doesn't know how to drive, basically. So it's very good for them. बहुत सही है उन लोगों के लिए। मैं AB Motors के अभय बंसल जी का मार्गदर्शक करता हूँ, उनको प्रेरणा देता हूँ कि भारत में आपने निवेश करके बहुत सही कदम उठाया है, और भारत में उन्होंने ऐसे समय में निवेश किया जहाँ भारत को बहुत आवश्यकता है, और पोल्यूशन से लड़ने के लिए हम बहुत बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, परंतु पर पेट्रोल डीजल के हम उसके खिलाफ कुछ नहीं सोच रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो काफ़ी मात्रा में बिक रहा है, लोगों को आवश्यकता व्हीकल की है, इसके विशेष में विचार करते हुए उन्होंने विदेश से टेक्नोलॉजी ला के बैटरी वाली गाड़ी का यहाँ स्थापना की, और लखनऊ जैसे शहर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री प्लांट डालने का विचार किया। तो मैं ये कहूँगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह वो विकास करें पूरे भारत के लिए, और AB Motors का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी भारत विश्व भर में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं, उसी कीर्तिमान के तहत आगामी जो भविष्य है वो बैटरी आधारित होगा।
पेट्रोल डीजल का जैसे दाम बढ़ता जा रहा है उसमें सरकार की ओर से भी वो कोई ऐसा है नहीं कि सरकार बढ़ा रही है, ये पहले से तय किए हुए दाम है। और लेकिन इसमें आम जनता को जो फायदा हो सके वो फायदे के लिए अभय जी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और एबी मोटर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भारत के युवा को वो बदलना चाहते हैं और पेट्रोल से लेके वो बैटरी संचालित जो बाइक है जो मोटर्स है उनको वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं प्रदान कर रहा हूँ। पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के फ्यूल के दे कम होते जा रहे हैं, ये सत्य है। और सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक जिस पे हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं दैट द बैटरी बेस्ड जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये हमारे ऊर्जा क्षेत्र में परिवहन क्षेत्र में आगामी भविष्य है। और धीरे जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया मैं उनके शब्दों को आगे बढ़ा रहा हूँ, धीरे भारत टेक्नोलॉजी में और नए नए क्षेत्रों के इन्वेंशन में एक आयाम एक कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, उसके कदम में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक नया हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे विकास में और हमारे ऑपरेशन में और इन सब में बड़ा मददगार साबित होगा। इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज सब सारे धुरंधर लोग मेरे साथ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े महारथी हैं जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ करा है और आज हमारे को भी इतना हमारे लिए सहयोग करने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब डिसेबल पर्सन के लिए जो हमारे स्कूटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत हम बहुत लो प्राइस में दूसरे इसको दे रहे हैं और जिससे कि उनको ईजिली उसको गेन कर सकें और उनको आराम उसकी लाइफ के अंदर मिल सके। देखो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत सारे फायदे हैं, एक तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, एक हमारी फॉरेन करेंसी जो हम पेट्रोल डीजल के लिए खरीदते हैं पैसे खर्च करते हैं वो हमारे देश को वो देश से बाहर नहीं जाएगी वो यहीं रहेगी। और तीसरी बात है कि एक बार हमने खर्च करने के बाद रोज़ का हमारे को पैसा नहीं खर्च करना पेट्रोल डीजल के लिए, तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा है कि एक बार उनके माँ बाप ने दिला दिया तो वो माँ बाप भी परेशान नहीं होंगे वो भी परेशान नहीं होंगे। आइए देखते हैं इस दौरान क्या कुछ खास हुआ उसकी एक झलक। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार। खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी।